So liquid and gas equilibrium, the प्रेशर ऑफ द वेपर्स अबव द लिक्विड इज कॉन्स्टेंट, राइट। देखिए जो वेपर प्रेशर्स है ये डिपेंड करता है केवल टेम्परेचर फैक्टर पे, राइट। सो वेपर जो है जो भी प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा अगर उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा तो, राइट। सो इसका ऑप्शन होगा ए। इस इक्वेशन में आपके पास तीन इक्विलिब्रियम दे रखे हैं, राइट। एक में अमोनिया बन रहा है, एक में नाइट्रिक ऑक्साइड और एक में वाटर बन रहा है, और इन तीनों के इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स भी आपको गिवन है, K1, K2 और K3। और आपको बस इन तीनों को ज्वाइन करके एक कंप्लीट रिएक्शन का पूछा गया है कि इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट क्या होगा। अब हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ये है हमारे पास इसके ऑप्शन, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे आपके पास गिवन है यहाँ पर अमोनिया है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि इस इक्वेशन को हम किस तरीके से कर सकते हैं सेटअप, राइट। तो देख सकते हैं आपकी अमोनिया जो है वो इसमें लेफ्ट साइड में अवेलेबल है, राइट, और नाइट्रिक एंड वाटर ये राइट साइड में है। तो यानी कि जो अमोनिया है वो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमें ये रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब K1 जो है इट शुड हैव -1 पावर, राइट, या फिर K1 नीचे चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि K1 जो है नीचे ऑलमोस्ट इन तीन केसेस में है, ए बी और सी तीनों में ही है, राइट। अब क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास जो K2 और K3 है, अगर आप ध्यान से देखें तो K3 वाटर से रिलेटेड है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास 3 वाटर है, इसका मतलब जो K3 है इसकी पावर होनी चाहिए 3, ओके। और जो NO है आप देख सकते हैं कि NO यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है और इसका K2 है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए कि K2 एज सच रहेगा, K3 की पावर 3 होनी चाहिए और K1 की पावर -1 या फिर वो नीचे लिखा जाए, राइट। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाइट्रिक ऑक्साइड का ही है इक्विलिब्रियम है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K गिवन है, और आपको इस इक्वेशन का या इस इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। सो बड़े सिंपल है, अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो हाफ से मल्टीप्लाई हुई है, और यही हाफ जो है वो इस K का पावर बन जाना चाहिए, राइट। सो हमारा आंसर होना चाहिए K की पावर 1/2, राइट। सो ये ऑप्शन हो गया, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे स्क्वायर रूट ऑफ के। इसी बेस पे ये क्वेश्चन भी है, आप देख सकते हैं कि आपके पास एक इक्विलिब्रियम है जिसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है, और आपके पास इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है इसकी वैल्यू है 278, राइट, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है इसलिए के भी कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पर पूछा हुआ है कि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होगी उसी रिएक्शन के लिए एट द सेम टेम्परेचर, राइट। राइट सो अब देखिए इस इक्वेशन को आप नोटिस करें तो यहाँ पे आपके पास टू कॉफिशियंट आपको दिख रहा है, यहाँ पर टू कॉफिशियंट नहीं है SO2 के लिए, और यहाँ पर SO3 का भी कॉफिशियंट नहीं है। इनफैक्ट ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है हाफ से मल्टीप्लाई भी हुई है, राइट। तो इसलिए इनके कॉफिशियंट यहाँ से टू जो है ये वन में कन्वर्ट हो चुका है, और यहाँ भी वन में कन्वर्ट हो चुका है, और वन जो है वो हाफ में हो गया। लेकिन साथ ही आप देख सकते हैं कि जो सल्फर ट्राईऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये भी फ्लिप हो चुके हैं, ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड लिखा गया है। ये नहीं कि मैं इसको हाफ से नहीं -1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट, माइनस बिकॉज वी नीड टू चेंज दी रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स इनटू रिएक्टेंट्स। तो ऑब्वियसली जो इसके लिए के की जो वैल्यू होगी वो होगी K^-1/2, विच शुड बी इक्वल टू द के प्राइम। ये के प्राइम इसके लिए मैंने लिखा हुआ है कि सपोज इसका के प्राइम है, ओके। सो के प्राइम कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/278 स्क्वायर रूट। इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा 1/278 का स्क्वायर रूट के लिए, राइट। सो देखिए क्योंकि 3 डिजिट नंबर है तो जिसका स्क्वायर रूट निकालना चाहिए वो 10 के पावर स्क्वायर में आ सकता है, यानी कि ये इस तरह का नंबर सी, सी विल बी द राइट आंसर। सिमिलरली आपके पास एक जनरलाइज्ड इक्विलिब्रियम इक्वेशन है बिटवीन टू गैसेस एंड वी आर गेटिंग ए बी एज न्यू गैस, और जब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है उस वक्त इनकी कंसंट्रेशंस ए की, बी की और ए बी की ये कांस्टेंट है, और आपको क्वेश्चन पूछा गया कि ये रिएक्शन जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 527 डिग्रीज पे हो रहा है, और आपसे के की वैल्यू पूछी गई है कि के की वैल्यू इनमें से कौन सी हो सकती है, राइट। सो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो इसका के की वैल्यू होगी, के की एक्सप्रेशन से निकाली जा सकती है, विच इज ए बी होल स्क्वायर बाय ए टू कंसेंट्रेशन टाइम्स द बी टू कंसेंट्रेशन, और जब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं लिखूंगा 2.8 होल स्क्वायर टाइम्स, यहाँ जो 10 की पावर -3 है,
इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -6 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा मेरे पास 3, ये 3 × 10 की -3, 4.2 × 10 की -3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × 4.2 × 10 to the power -6, एंड यू सी ये कैंसिल आउट हो गया, सो वी आर लेफ्ट विद 2.8 × 2.8 / 3 × 4.2, राइट। सो ये जो नंबर आपके पास सॉल्व आउट होगा, अब अगर आप ध्यान से देखें तो 2.8 2.8, राइट। अगर ये 3 3 भी होता तो 3 × 3 9 होता, और नीचे आपके पास नंबर 12 आ रहा है, 3 × 4 means 12, सो ऑब्वियसली नंबर जो है लेस देन 1 होना चाहिए, और लेस देन 1 हमारे पास केवल सी ही है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया जा रहा है डायरेक्ट रिएक्शन से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, और इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है वो K1 है, ये फर्स्ट इक्विलिब्रियम के लिए K1 हो गया, राइट। और उसके बाद फिर एक नीचे रिएक्शन दे रखा है, नाइट्रिक ऑक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है, और इसमें जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 गिवन है, और आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए क्या होगा। आप देख सकते हैं कि जो इक्वेशन है इसमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब ये दोनों कंबाइन होकर के डायरेक्टली NO2 दे रहे हैं, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि मैं अगर इन दोनों रिएक्शंस को ऐड अप करूं तो मुझे मिलेगा नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस NO2, सॉरी नॉट NO2, NO प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम आएगा, और राइट साइड आप देखेंगे 2NO और प्लस आ जाएगा 2NO2, राइट। तो आप देखेंगे कि 2NO आपके पास यहाँ से कैंसिल आउट जाता है, एंड जो यहाँ पर ऑक्सीजन है आपके पास ये O2, ये इनफैक्ट डबल हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा N2 प्लस 2O2 विल गिव यू ट्वाइस ऑफ NO2, राइट। सो ये हमारे पास इन दोनों को सिंपली ऐड करके आता है, राइट लेकिन आपके पास इस क्वेश्चन में यहाँ पे NO2 लेफ्ट में आ गया, दैट मींस कि इसको मैं रिवर्स करूंगा तो मैं इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, और मैं एक्चुअल में करूंगा -1/2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका जो कॉफिशियंट है वो भी आपको 1 दिख रहा है। ओके सो जो भी इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस इक्वेशन का जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, सपोज कीजिए वो के प्राइम है, तो मैं उसका 1/√ ले लूंगा, तो मुझे पहले के प्राइम निकालना है। ओके अब देखिए, क्योंकि हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके ये काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो मल्टीपल स्टेप्स लिए गए हैं उसका मतलब ये हो गया कि जो जो हमारा जो के प्राइम होना चाहिए, के प्राइम शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ ईच इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप, तो ये हो गया के प्राइम की वैल्यू, राइट। सो मेरे पास ये सोल्यूशन होएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा K1 × K2 होल स्क्वायर रूट, और अब आप K1 और K2 का स्क्वायर रूट को इनवर्स में आप देखेंगे तो आपके पास कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ओनली सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके अब इस क्वेश्चन में देखिए, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट दे रखा है एसिटिक एसिड का, जो कि 1.5 है, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है एसिटिक एसिड का, और HCN का भी डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अब अगर आप गौर से इस इक्वेशन को देखें तो आप देख सकते हैं कि एसिटिक एसिड तो डिसोसिएट हो गया एसीटेट आयन में, राइट। तो इसके लिए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो है वो के ही रहेगा, सपोज K1 है एसिटिक एसिड के लिए, राइट। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि K1 हो गया। अब लेकिन आप देखेंगे हाइड्रोजन साइनाइड के यहाँ पर डिसोसिएशन नहीं हो रहा बल्कि एसोसिएशन हो रहा है, या यू कह लीजिए कि ये बैकवर्ड डिसोसिएट हो रहा है। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है तो मैं उसको डिवीजन में रखूंगा, क्योंकि ये इक्वेशन जो है रिवर्स हो चुका है, राइट। सो पहला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 1.5 और दूसरा 4.5, सो आई विल जस्ट डिवाइड दिस बाय 4.5 × 10 to the power -10, राइट। अब आपके पास ये जो आंसर आना चाहिए, ये देख लीजिए कि ये पॉजिटिव पावर में आना चाहिए, राइट, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर -10 है, यहाँ 10 की पावर -5 है, तो इट शुड बी 10 raised to the power 5, तो आपके पास ऑप्शन एक ये हो सकता है या फिर ये 10 की 4 हो सकता है। तो 15 by 4.5 कितना आता है, ये आता है 1/3, 1/3 का मतलब 0.3 × 10 to the power plus 5, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसी तरीके से इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाइड्रोजन आयोडाइड जब डिसोशिएट हो रहा है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के गिवन है, जो कि 8 है, और आपको पूछा गया है कि इसकी रिवर्स रिएक्शन हुआ है, यानी कि 1/K, क्योंकि ये रिवर्स हो गया है, और इसके आगे 2 भी आपको दिख रहा है यहाँ पे लगा हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरे का मैं स्क्वायर भी करूँगा, तो आपको करना क्या है, 1/8 का होल स्क्वायर मीन्स 1/64, अकॉर्डिंगली इसका आंसर होना चाहिए डी, राइट। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 एंड K2 फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, अब देखिए आपके पास फिर दो इक्विलिब्रियम है, और इन दोनों इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे आपके पास गिवन है।
और आप ध्यान से देखें तो आप समझ सकते हैं कि जो इक्वेशन है बेसिकली वो रिवर्स लिखी गई है, यानी कि जो के वन है राइट, और इसको अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ यानी इसकी पावर में माइनस वन लगा देता हूँ तो मैं के टू तक पहुंच जाऊंगा राइट। के टू जो है वो के वन को रिवर्स करके आया है। साथ ही आप देखेंगे कि क्योंकि इसके आगे पहले यहाँ पे टू लगे हुए थे तो टू का मतलब ये हो गया कि अब मैं यहाँ से अगर टू रिमूव करूंगा दैट मीन्स मैं इस के वन को अगर मैं टू से मल्टीप्लाई करूंगा तब जा करके ये यहाँ तक पहुँचेंगे राइट। सो अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, हम इस के वन का स्क्वायर भी कर देंगे राइट, ताकि ये नंबर यहाँ पर लग जाए। सो हमारे पास आएगा कि के टू जो है वो के वन का माइनस टू पावर होना चाहिए राइट। सो यहाँ पर आपके पास किस इक्वेशन में से दिया हुआ है, ए। यहाँ पर भी आपके पास दो इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पूछा गया कि इन दोनों के लिए अगर के वन के टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये नोटेशन सही नहीं ड्रॉ किया गया। सो ये इक्विलिब्रियम्स हो गए राइट। सो फर्स्ट वाले के लिए के वन है और सेकेंड के लिए मेरे पास के टू आ चुका है। और आपसे इसके लिए बात की गई कि इस इक्विलिब्रियम को आप कैसे अटेंड करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जीरो फोर जो है वो इसमें लेफ्ट में है, यहाँ लेफ्ट में ही है, और एच एफ यहाँ पर आपके पास गिवन है कि वो भी लेफ्ट में है, तो लेकिन यहाँ पर एच एफ राइट में है, तो मैं इस इक्वेशन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करूंगा के वन को। तो जो के टू है वो होना चाहिए कि मैं इसमें के वन को माइनस कर रहा हूँ, माइनस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो रिवर्स होने वाला है राइट, तो ये एच एफ इस तरफ आता है। तो अब मैं सबको इनको पहले माइनस कर लेता हूँ, इस तरीके से सारे माइनस रहते हैं, एंड जब व्हेन यू ऐड देम सो व्हेन वी ऐड वी बेसिकली सी कि हमारे पास ये टू एच एफ जो वही साइड आ जाता है, और जो ये वाटर है जी ओ एफ फोर ये कैंसिल हो जाते हैं राइट, जी ओ थ्री एफ बच जाएगा आपके पास, और वाटर जो है वो इस तरफ आ जाना चाहिए राइट, और यहाँ पे जी एफ सिक्स भी इसमें से कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप ऊपर वाली इक्वेशन को जस्ट माइनस वन करके आप नीचे वाली इक्वेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं एड अप करने के बाद राइट। दैट मीन्स कि दोनों इक्वेशंस ऐड हुई पड़ी हैं। तो मेरे पास क्या चीज़ हुआ पड़ा है, मेरे पास एक तो के टू हुआ पड़ा है, साथ में जो ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है इसको मैंने रिवर्स किया हुआ है, रिवर्स करके दोनों को ऐड किया है, तो ये के वन वन के टू बाई के वन इसका रिजल्ट होना चाहिए। सो द आंसर शुड बी डी आंसर। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास ये इक्विलिब्रियम है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, और आपसे रिवर्स इक्वेशन का पूछा गया कि इक्विलिब्रियम रिवर्स का क्या होगा। तो अगर ये रिवर्स हुआ है तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि जो इसके कॉफिशियंट्स है कॉफिशियंट्स एज सच है, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए दैट शुड बी सी। ओके, सिमिलरली इसी तरह से ये भी क्वेश्चन देखिए पिछले वाला जैसा ही है, आप देख सकते हैं कि इसके लिए इसको रिवर्स लिख दिया गया है, तो ये है के वन ये है के टू, और मुझे इस इक्वेशन में देखिए के वन पता लगाना है के वन किसके इक्वल आएगा, तो हाउ विल यू ऑब्टेन के वन इन टर्म्स ऑफ के टू। तो आप देखेंगे कि मुझे सेकेंड इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ सबसे पहले लिखूंगा कि वन बाय के टू होना चाहिए रिवर्स में। साथ ही आप देख सकते हैं सर कॉफिशियंट भी टू था और यहाँ पे कॉफिशियंट वन है, यानी कि मैं इसको माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं यहाँ पे इसका क्या करूंगा स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है राइट, या फिर मैं इसको नो नॉट स्क्वायर रूट, इनफैक्ट मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा टू से। तो आप देख सकते हैं कि जो टू के लिए है केस है, इस इक्वेशन को टू से नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनफैक्ट इसको आपको टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये टू आपको चाहिए यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए, इसका आना चाहिए हमारे पास इसकी पावर जो है वो टू होनी चाहिए राइट। सो अकॉर्डिंगली इसका आंसर होना चाहिए ए। इस जनरल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स इसके जनरल इक्विलिब्रियम के लिए आपके पास ए एंड बी दोनों की इनिशियल वैल्यू दे रखी है कि ये वन मोल्स थे, और इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे देखा गया कि जब डी था डी की वैल्यू थी 0.25। अब देखिए डी 0.25 था राइट, तो जितना डी है सी कितना होगा फिर 0.75 सी होना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर डी इसमें 0.25 था तो डी के अकॉर्डिंगली यहाँ से बी जो है बी का भी कॉफिशियंट वन है, यानी कि बी जो है 0.25 कम होना चाहिए, तो वन में से 0.25 कम होगा तो यह आ जाएगा 0.75, और इसी तरीके से यहाँ पे जो ए है इसके दो मोल्स कम हो रहे हैं मतलब डबल हो रहे हैं देन डी। अब डी क्योंकि 0.25 है तो इसका जो है 0.5 इसमें से रिड्यूस हो गया और हमारे पास लेफ्ट हो गया 0.5। सो ए आपके पास बच गया है 0.5, बी आपके पास बच गया है 0.75, और सी आपके पास बन गया है 0.75, डी आपके पास 0.25। अब अकॉर्डिंगली अगर हम इसका आंसर देखें कि इसमें से कौन सा सही होगा,
राइट सो आपको देखना पड़ेगा कि सी इसमें 3 है तो सी की पावर क्यूब होनी चाहिए, 0.75 का क्यूब होना चाहिए टाइम्स 0.25, राइट। सो अब आप देख सकते हैं ऐसा किस एक्सप्रेशन में है। तो खैर ऐसा इसमें तो सभी तरफ है, तो इसमें से कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास कि इसे डिसाइड कर सकें। तो इसमें से हम इस तरफ जाएंगे, इस तरफ आपके पास होना चाहिए ए का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 0.5 का स्क्वायर होना चाहिए टाइम्स 0.75। तो 0.5 का स्क्वायर टाइम 0.75 वो केवल बी ऑप्शन में ही है, राइट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो गया। एक गैस ए बी है जिसका डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये देखिए। तो ये आपके पास ए बी टू गैस जो है ए बी गैस में है और बी टू एक और गैस है जो कि बन रही है, राइट। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे दे रखा काई है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कि 1 मोल में से कितने डिसोसिएट हुए हैं, राइट। 1 मोल से, तो ये काई डिसोसिएट हो गए और ये काफी स्मॉल है एज कम्पेयर टू 1, राइट। दैट मीन्स ये इग्नोरेबल है काई। एक्सप्रेशन रिलेटिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विद द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के पी एंड द टोटल प्रेशर पी विल बी। सो अगर हम इक्विलिब्रियम को लेते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी है दैट शुड बी डिफाइंड बाय द प्रेशर स्क्वायर ऑफ द ए बी टाइम्स द प्रेशर ऑफ बी टू बाय द प्रेशर स्क्वायर ऑफ द ए बी टू, ठीक है। तो अब ये जो प्रेशर है ये पार्शियल प्रेशर है, और पार्शियल प्रेशर आपके पास जो टोटल प्रेशर पी है उसके मोल फ्रैक्शन से निकलता है, मतलब किसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, राइट। सो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ कि क्योंकि काई हमारे पास है 1 मोल में से कितना डिसोशिएट हुए हैं विच इज काई। तो अब देखिए अगर ये 1 मोल में से अगर ये काई डिसोशिएट हुआ है तो यहाँ पर फिर क्या बनना चाहिए था, राइट। यहाँ पर क्या बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, उसके लिए हम यहाँ पे ये करेंगे कि सपोज 2 मोल में से डिसोशिएट हुए हैं 2x, ठीक है। 1 मोल में से x तो 2 मोल में से 2x, तो यहाँ पर आपके पास बनेगा 2x और ये आपके पास बनेगा x, ठीक है। और अब अगर आप इन सभी मोल्स को अगर आप एड अप कर लेते हैं, राइट, मींस यू एड ऑल दिस 3, व्हाट वी गेट बेसिकली 2x गोज विद दिस एंड वी आर लेफ्ट विद 2 + x, राइट। हमारे पास ये टोटल मोल्स आ गए। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली जो ए बी टू है इसके जो मोल फ्रैक्शन होगा, मैं आप लिख सकता हूँ काई ए बी टू मोल फ्रैक्शन इसका होना चाहिए 2 मोल्स, राइट, 2 - 2x, एक्चुअली जो ये था वैल्यू 2 - 2x इसके वैल्यूज थी, डिवाइड बाय द 2 + x, ये ए बी के लिए हो गया। सिमिलरली जो ये ए बी टू के लिए था, अगर ए बी के लिए हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन कितना होगा तो ये आ जाएगा 2x / 2 + x, एंड सिमिलरली फॉर बी टू इट विल बी x / 2 + x। तो अब आपके पास सभी के मोल फ्रैक्शंस आ गए हैं। अब है कि हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, तो डिवाइड के लिए पहले आप यहाँ पे प्रेशर देखिए, दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर, दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर एंड दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर। जब ये हो जाएगा तो ये इसको हम काई को रिप्लेस कर लेंगे, उस कंडीशन में हम इसको रिप्लेस करेंगे प्रेशर ऑफ ए बी, राइट। इसी तरीके से आप इसको भी रिप्लेस कर लेंगे यहाँ पे और इसको भी रिप्लेस कर लेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ लिखूंगा इसको प्रेशर ऑफ ए बी टू प्रेशर ऑफ बी टू विच इज इक्वल टू, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास ये अभी प्रेशर के टर्म्स में आ चुका है। अब मुझे निकालना है इस के पी की वैल्यू, तो इसके लिए मुझे इन तीनों को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। और अब आप नोटिस करेंगे मोटे तौर पे तो यहाँ पर आपका प्रेशर के 3 टर्म्स है, 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, और यहाँ नीचे आपका 2 टर्म प्रेशर के और भी हैं, राइट। तो उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पहले ए बी का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4x² टाइम्स दी एक्स विच इज दी बी, और इसके नीचे आ जाएगा मेरे पास 2 + x² और टाइम्स 2 + x। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 + x की पावर होल 3 डिवाइड बाय ए बी टू के लिए कितना आ जाएगा, ए बी टू के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ पर 2 - 2x / 2 + x, राइट। इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 4x³, बिकॉज यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ये फ्लिप होने के बाद 2 रह जाएंगे और नीचे और आएगा आपके पास, और ये सारा कुछ आना चाहिए आपके पास के पी के बराबर। और यहाँ पर एक पी टर्म भी आना जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टर्म में आपके पास 3 बार पी ऊपर आएगा और 2 बार नीचे, यानी कि एक पी आपके पास बचना चाहिए, क्योंकि काई की वैल्यू यहाँ लिखा है इट इज वेरी स्मॉल। सो दैट मीन जो 2 + x है उसको मैं 2 ही लिख सकता हूँ, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से और इसमें आ जाएगा 2। क्यों 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 - x, x अगेन इग्नोरेबल है, तो प्लस माइनस में उसको हम नहीं ऐड करेंगे। सो यहाँ पे 2 टाइम्स 2 4 एंड 4 विल किल दिस 4,
कितना आएगा? सो काई आ जाएगा के पी बाय पी, राइट, और इस पूरे का क्यूब रूट, राइट। सो तो यहाँ पे हमारे पास टू फैक्टर आ रहा है। ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है कि इस टू फैक्टर को हम कहाँ से लेके आ सकते हैं, यहाँ पे भी टू है पर क्यूब रूट तो होना चाहिए, तो आपके पास यही ऑप्शन आ रहा है। वेल, ये जो टू का फैक्टर होगा वो इसलिए आएगा क्योंकि ये जो फैक्टर आपके पास टर्म आ रहा है, ये टर्म एक्चुअली न्यूमिनेटर में आएगा क्योंकि ये टर्म हमारा डिलीट हो गया यहाँ से। ये मैं इसका 1/3 करके मेरा आंसर इसका डी आना चाहिए। सो डी इज दी राइट आंसर। अब इसके एक्सप्रेशन में थोड़ी मैथमेटिकल मिस्टेक है, वो आप सॉल्व करके इसको देख सकते हैं, पर इसका आंसर डी होगा क्योंकि 1/3 मेरा ऑप्शन और किसी में भी नहीं आ रहा है। तो के पी बाय पी, राइट, 1/3 रूट। इस क्वेश्चन में आपके पास जो गिवन है कि दो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स हैं के पी वन और के पी टू, दो रिएक्शंस के लिए, और इनके जो रेशियोज हैं वो ऑलरेडी 9:1 में है, यानी कि के वन रेशियो के टू आपको गिवन है कि वो इस रेशियो में है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो दोनों के बराबर है। और अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर आपके पास पार्टिकल्स भी बराबर आ रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे पार्टिकल्स दो हैं, यहाँ भी पार्टिकल्स आपके पास दो ही आ रहे हैं। तो टोटल प्रेशर जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे वो किस रेशियो में होना चाहिए? तो देखिए, टोटल प्रेशर जो है हमेशा ही 9:1 रेशियो का कोई ना कोई मल्टीपल हो सकता है, राइट। तो अब अगर, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपके पास एक फोर का फैक्टर अपियर हो रहा है, तो मैं अगर इस फैक्टर में देखूँ, ये टू आप जैसे लिखते हैं कि बी बी के लिए अगर आपके पास यहाँ जो भी बनेगा वो 2x बनेगा और आप उसका स्क्वायर कर देंगे, तो देयर विल बी ए फैक्टर ऑफ 4। सो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा ए।